आलो भैरव ना ये भी जरूर आते ही हैं भैरव ही बोल रहा हूँ तुम्हारे घर में भैरवनाथ का कै साल से हुआ है? माइक किसी ने बताया आज तक नहीं? तुम्हारे घर में भैरवनाथ बैठा हुआ था, कै साल से पूजा कर रहे हो? इसका कै साल को आता है जो आज तक कोई खोज नहीं कर पाया? कै साल हो गए मुझे साल बताओ, छह महीना तो नहीं है, एक दो साल का नहीं है मामला? कम से कम 40 साल। हाँ 40 साल हो गए। इसका आज तक किसी ने पता नहीं काढ़ा कि ये है क्या चीज है? मैं ये कह रहा हूँ इतने भक्तों के पास गए, कोई भगत आपने नहीं छोड़ा, किसी ने ये नहीं बताया इस पे है क्या चीज? जिंद परे तो बवाल ही बताते चले गए हैं, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं पकड़ी इसकी। जब जिंद परे तुम्हें बताना जानता हूँ तो मैं काटना भी जानता हूँ। आज तक क्यों नहीं काटा उन्होंने जब वो जिंद परे बताते थे? क्या वो जिंद परे तो भक्तों से बड़े थे? खड़े हो जाओ, खड़े हो। माइक में बोलो भैया, माइक चल रहा है, इसमें बोले करो। हाँ ना कह रहा हूँ, आज तक जितने भक्तों के पास गए हो, किसी के पास गए तो किसी ने कह दिया इस पे ट्रायल चुकी है, किसी ने कह दिया इस पे करा हुआ है, किसी ने कह दिया जिंद है, किसी ने कह दिया परेत है। ऐसी बताया, ऐसी बताया, जो बताया वो बता रहा हूँ मैं। आपने किसी को जिक्र तो नहीं कराया? ना जी, मैंने किसी को जिक्र नहीं कराया। क्या ये बात किसने क्या बताया? ना जी, ये पहली बार आप आके पूछ रहे हो, ठीक है? ये बात बीता हुआ कल मैं बताना जानता हूँ। फर्क इतना है मैं लिख के नहीं दूंगा, आपकी बात सही है, पहले भी आए थे, पहले भी सही बताया। ठीक है, पहले कई साल पहले आए थे आप? कम से कम 10 साल पहले। आप 10 साल पहले आए थे, उसके बाद आपका मन हट गया मेरे से? हाँ, फिर नहीं आए। जो हट गया ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपको मेरी बात एक बात बुरी लगी थी। क्या? मैंने ये कह दिया कहीं कुछ नहीं है। क्या? कहीं कुछ नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, इसी बात से तुम्हें ये बुरा लगा कि महाराज ने असली रोम तो पकड़ा नहीं है? नहीं, कह दिया कहीं कुछ नहीं है। ये बात का मतलब क्या है अभी भी मेरी सुन लेना। अगर किसी पर रोग होता है तो मैं बताना नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि मैं ये कहता हूँ रोगी के सामने मत पूछो, उसको पीछे भूल दो। दहशत बन जाती है आदमी के, भय बैठ जाती है। अगर खुंसी है, मैं कह दूँ उसके कैंसर है, तो मर लेगा, उसका समय जल्दी आ जाएगा। किसी भी मरीज को जो सही आदमी होगा वो कभी किसी का रोग उसके परिवार वालों को बता देगा, लेकिन उसके सामने रोग नहीं बताएगा। सही बात है गुरु जी, रोग काटो बस। दूसरी मेरी सुनते रहो, ठीक है? मैंने ये कहा कहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं नहीं जा रहा था इसके तुम्हारे रोगों को खोल के बताऊं, मुझे तो काटना है, तो मैंने ये कह दिया। तुम्हें ये बात बुरी लगी? बाबा ने ना तो हमारी पुकार में ये कहा कि इस पे क्या है क्या नहीं है हम पे, और ऐसी बात कह दी कि कहीं कुछ नहीं है। ये बात मेरी बुरी लगी थी। है उसके बाद तो कोई बात नहीं, आपने मुझे बताया ना, कोई संपर्क नहीं। ठीक है, तुम्हारे घर में भैरव है, किसी की दुनिया की ताकत नहीं जो काटते। अब सुनिए एक चीज और, अब वो भैरव ने फिर क्या करा है कि तुम्हारे घर में भगूतबाजी भी चलने लगी। जिसको इन्होंने भगूत उठा के दे दी उसका ही भला हो गया। ओके, लेकिन हम परेशान होंगे। अरे पहले पूरी बात सुन लो, पहले मेरी भी तो सुन लो। जिसको भी आपने भगूत उठा के दिवा दी इनको, उसी को भला हो गया, लेकिन उसने आके दर पर इन्होंने कहा कि मेरा भला हो गया, ले मैं 10 रुपए का प्रसाद बांट दूं। ठीक, देखिए जैसे यहाँ कोर्ट कचहरी लगती है, हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं, जब केसों की बहस करते हैं तो उसको सजा भी होती है, किसी को 1 साल की, किसी को 2 साल की, किसी को 3 साल की, किसी को आजीवन हो जाती है। उसके कर्म को देखते हुए, उसके सारे सबूतों को देखते हुए सजा मिलती है। ऐसे ही वहां भी कोर्ट कचहरी लगती है उस ईश्वर के पास में, जो किसी ने नहीं देखी है, वहां वही देख सकता है जिसको इतना ज्ञान दिया हो, जिस गुरु ने ज्ञान दिया हो, गुरु की कृपा से वो देख सकता है। वहां भी कोर्ट कचहरी लगती है, वहां भी फाइल जाती है,
वहाँ हर इंसान को प्यारे की एक एक भाई पुत्र तोला जाता है, इसने कितना अच्छा कर्म करा है, किसके साथ क्या गलत करा है, कितने इसने किसको सताया है, उसके अनुसार ही उसको सजा देने वाला बैठा है जज जो हमारे सबके ऊपर है। सही बात है, सबकी सुनवाई वहाँ होती है ऊपर उसी ईश्वर के पास, और कहीं सुनवाई नहीं होती या नीचे होगी पृथ्वी पे, वो वकील और जज वो करते हैं। तो ऐसी हमारी तुम्हारी जो सुनवाई हुई, अब क्या होता है कि अगर तुमने नहीं भगवत दे रहे हो, नहीं दे रहे हो जो अपना कर्म करा, अब कर्म तो किसी ने बताया नहीं, शक्ति आ गई, शक्ति आ गई तो तुमने सोचा भाई ये शक्ति तो है, कुछ तो है हमारे घर में, कोई जिद बता रहा, कोई परेश वाला, चलो हो भी सब देखी जाएगी, क्योंकि वो चीज चाह रही थी कुछ ना, लेकिन पुजवाने वाला कोई नहीं मिला जो तुम्हें पुजवा सके, और जो पुजवा गए उसे खोल सके, ऐसा इंसान तुम्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर MBBS ठीक है, जो सही होगा ठीक बंद होगा वो ठीक पे गद्दी लगा है, वो घर घर नहीं देखे, ठीक है, तो इन्हें आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। और दूसरी बात, बिगर गुरु के ज्ञान नहीं होते, तुमने कोई आज तक दोनों ने किसी ने गुरु नहीं बनाया जो इस लाइन को रास्ता दिखा सके और जो तुम्हें क्लियर कर सके गुरु बनाने के लिए, इस करके तुम्हें सजा मिली है कि तुम खाने खराब हो रहे हो, बिल्कुल खाने खराब हो, तुम्हारा कोई काम नहीं चल रहा है, सब बेकार है, ठीक है, हर चीज तुम परेशान हो आप, क्योंकि दूसरों के भले के चक्कर में अपने घर में बवाल बांट लिए, सही बात है, जब तुम दूसरे को उतारोगे तो उसको भी तो स्थान दोगे कहीं, सही है। अब मैं भी कह देता इस पे जिंद, जब मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं भी नहीं कह दूंगा, नाचना आवे ना आंगन टेढ़ा तो मैं बताई दूंगा, अगर मुझे ज्ञान नहीं होता तो मैं भी देख लेता, मैं भी बेहतर जिंद है इसमें, लेकिन बाबा जी ने जब बार बार नहर काट रहा है तो मैंने देखा ऐसा क्यों है, कृपा होती होती रुक रही है, मेरे सिर नहीं आते हैं कोई, लेकिन उसकी कृपा तरंग जो भी मेरे शरीर के अंदर आ रही थी वो रुक रही थी बार बार, तो मैंने देखा क्यों रुक रही है, तो एकदम भैरव सामने खड़े हो गए, भैरव की तो मेरे यहाँ जोड़ की जल्दी है, लेकिन भैरव खड़े हुए तो मैंने देखा कहाँ है, एकदम आँख खोली मैंने देखा अच्छा, तो जहाँ बैठे हुए थे मुझे दिख गए, तो मैंने बता दिया, अब उनका पलट भी मैंने तुम्हें सारी बता दिया कि तुम्हारे घर का विनाश का कारण तुम्हारे कर्म है, तुम जो कर रहे हो वो तुम गलत कर रहे हो, बिगर गुरु के तुम्हें बहुत किसी को नहीं देनी थी, मैंने भी किसी को नहीं देता अपने हाथ से, तो मैंने आज तक नहीं दी, मैं बच्चों से दिलवाता हूँ चेलाओं से, क्योंकि इनको अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं रोक लूंगा, और मेरे को अगर दिक्कत होगी तो मेरे गुरु के पास जाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, जब तक तो मेरा मामला ही खत्म हो जाएगा, इस करके बिगर गुरु के ज्ञान नहीं होता, और गुरु भी ऐसा हो, गुरु चेला लालची दोनों खेले दाव, या तो गुरु में लालच ना हो और चेला में भी लालच ना हो, चेला को ये ना हो कि गुरु की गद्दी मिल जाए, गुरु को ये ना हो कि चेला की संपत्ति मुझे मिल जाए, तो कामयाबी मिलेगी नहीं, कहीं कामयाबी नहीं है संसार, सही बात है गुरु, ऐसे तो बहुत बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद ले लो गुरु मंत्र, मंत्र जो देगा वो भोलेनाथ को साक्षी मान के पूर्व की दिशा को गुरु मंत्र देने वाले का सूर्य नारायण को नमन कराते हुए जो गुरु मंत्र देगा और उत्तर को मुंह करके गुरु मंत्र देगा तो साक्षी है, और नहीं कहीं नहीं है, कान में खूब लगवाए जाओ और गुरु मंत्र लिए जाओ, ये तो फ्री का बट्टा, नहीं हमने कोई गुरु और सही गुरु जो होते हैं सही गुरु जो होते हैं वो एक साल में 506 को गुरु मंत्र नहीं देते हैं, 506 को नहीं दे सकते, और जो सही साधु होगा वो 506 घर की भिक्षा नहीं ले सकता, अब तो घर घर में पूरे घर हम घूम जाए साधु, और ऐसे गुरु मंत्र है अब तो कहीं ले लो खड़े हो गए चौड़े में, गुरु मंत्र ही तो लेना है, उससे कुछ यश मिलो या ना मिलो, ये तो गलत है, जिसको गुरु बना लिया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं होता, क्यों 5 घर से ज्यादा नहीं देने, 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं, क्योंकि जो भिक्षा कर रहा है भिक्षा नहीं होती है, बड़ा दिल के लिए भिक्षा के लिए, और भिक्षा करने वाले को 5 घरों के लिए जब करने पड़ते हैं, जब उसकी छठे की खाने का अधिकार रखता है, 5 घर तो 6 घर की जब खाने का अधिकार रखता है, जब उन 5ों के लिए भजन कर लेगा उसको भिक्षा कहते हैं, और गुरु मंत्र नहीं दे सकता कि गुरु मंत्र नहीं दिए जाते, जितना भी तू इस साल में उसने भजन करा है उस भजन से कुछ भजन उन चेलाओं को देगा, और जो सारा ये एक दिन में दे देगा ना, फिर तो ठनठन मदन गोपाल रह जाएगा, उसका कुछ नहीं रह जाएगा, सच्चाई तो ये है, सही अब करने को तो भैया कोई कुछ भी कह जाओ,
तो कुल मिलाकर निगर गुरु के तुम्हें हानि हो रही है। आप अच्छे से किसी गुरु को गुरु बनाइए और इस कार्य को करिए, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आपसे अच्छा कौन है, हम तो आपके पास है। बात बताए आप देखिए, आप अगर ये कार्य करते हो गुरु अच्छे को बना के, कोई भी गुरु, मैं गुरु लायक नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं सबकी सेवा करने वाला हूँ, मैं गुरु लायक नहीं हूँ, दुनिया में कोई मिला ही नहीं। लेकिन गुरु के साथ अगर तुमने ये कार्य कर लिया, उसको गुरु मान के और उसको गुरु दीक्षा लो और तब अपने कार्य करो, जो मेरा आशीर्वाद, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है दीदी। और लेट हो गए, संतान भी मिलती, लेट हो गए, मेरे को सब बता दिया भी बाबा जी ने, संतान योग भी था लेकिन लेट हो गए। फिर भी उससे प्रार्थना करो, जिस गुरु के शरण में जाओ, उस गुरु से अरदास भी रखना के महाराज एक फूल भी खिलवा दो, हम अनजाने में गलती हुई है, जिनकी सजा हमें मिल गई, जो हारी संतान तुम्हारे दिए दे दिए प्रसाद में हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ वो हो गया, समझ रही है मेरी बात को नहीं है? समझदारी से काम लेना चाहिए। नए गुरु जो भगत बनते हैं उनकी नैया क्यों जल्दी डूब जाती है, कि वो गुरुमुखी नहीं होते हैं। और शक्ति जब प्रहार करती है, जब अपना आशीर्वाद देती है, तो उसमें वो भैग जाते हैं और वो जो है आँख नीचे भूतरी बांटे जाते हैं। भूतरी बांटने का मतलब नहीं समझते, तो बहुत दी क्यों जाती है? हमने तो आज तक नहीं दी अपने हाथ से किसी, हम तो चेलाओं से दिलवाते हैं, तो हमें पता है, पता ना तुमने कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसका संकट तुम्हें भगवान ने दिया, और भगवत दे के वो काट भी दिया भजन तू, तो इस करके चेला में अगर उसका दोष आ गया तो उसे गुरु झेल लेगा, अगर गुरु ही दे देगा तो गुरु का कौन झेलेगा, कौन झेलेगा सही, उसे तो बहुत भजन करना पड़ेगा, इतने समय निकल जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। इस करके सही गुरु तो अपने हाथ में भगवत भी नहीं दे सकते, दूर से आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, बैठो दोनों आदमी, चलो भाई बोलो, भाई तुम बोलो, मैं अपना ही काम करता हूँ, अपने अपने बोलो, यहाँ बैठो है, यहाँ बैठो दोनों आदमी, भगवान से प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, जाने अनजाने में गलती हुई है, आगे के लिए मार्गदर्शन दिखाइए, यहाँ आ जाओ, यहाँ जैसे शादी को बैठे ऐसे बैठ जाओ। क्या करना है वो बोले, क्या रहा है, आंख मिच के ध्यान लगाओ, हे कहो, हे भगवान, हे भोलेनाथ, भोले शंकर, हम पे अनजाने में गलती हुई है, अगर हम पे ऐसी क्रिया आ गई है तो हमारा रास्ता दिखलाइए और हमारे कार्यों को। ठीक है, चलो भैया बोलो, तेरी केयर